हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत बार कमेंट सेक्शन में आपने पूछा था कि झाइयों के लिए कोई उपाय बताइए, अगर आपके पास कोई पैक है तो वो शेयर कीजिए हमारे साथ। पहले मैंने आपके साथ एक पैक पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, जो कि मसूर की दाल के साथ मैंने बनाया था, बहुत इफेक्टिव है झाइयों के लिए वो, तो आप चेकआउट कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका मिल जाएगा। और बाकी आज की इस वीडियो में मैं जो चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ वो जो है एक आटा है, और ये आटा कैल्शियम आयरन से भरपूर है, मतलब प्रचुर मात्रा में इसमें कैल्शियम आयरन पाया जाता है, और झाइयाँ हमें बेसिकली इसी कमी की वजह से होती है। अगर आपके शरीर में कैल्शियम आयरन की कमी होती है तो ही फिर आपको झाइयाँ होती हैं। तो देखिए, पहले बता देती हूँ कि सिर्फ आपको पैक ही नहीं लगाना है, आप इस आटे का रेगुलर इस्तेमाल भी कीजिए, क्योंकि इसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में है, आयरन तो, और साथ में आप डॉक्टर से रिकमेंड, मतलब जो आपको आपके डॉक्टर रिकमेंड करें उस तरीके से आप सप्लीमेंट भी जरूर लीजिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसे पैक लगाने से ही आपकी झाइयाँ बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाती। ये झाइयाँ बेसिकली जैसे मैं बता ही रही हूँ कि होती ही इसकी कमी की वजह से हैं, कैल्शियम आयरन की, और कैल्शियम आयरन की कमी आपको सिर्फ पैक जो है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं पूरा नहीं कर पाएगा, तो आपको वो इस तरह से ओरली भी लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप डॉक्टर के कंसर्न के बिना अपनी मर्जी से कभी भी कुछ भी ट्राई मत कीजिए। हाँ, अगर आपको जब आपका प्रेगनेंसी टाइम होता है, डिलीवरी टाइम होता है, उस टाइम पे जो डॉक्टर ने आपको आयरन कैल्शियम प्रिस्क्राइब की होती है, बताई गई होती है, तो उनको आप यहाँ पर फिर से ले सकते हो। तो कितना डोज लेना है वो फिर आप डॉक्टर से पूछ लीजिए, या फिर जिस हिसाब से उस टाइम पर बताई गई होती है, क्योंकि उस टाइम पर भी हमें बहुत ज़्यादा अंदर से कैल्शियम आयरन की कमी होती है, और इसी कमी की वजह से फिर आगे चलते हुए हम अपने डाइट का ध्यान नहीं देते हैं और फिर हमें दोबारा से इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो चलिए, खाने के लिए आप कैल्शियम आयरन इस्तेमाल जरूर कीजिए, तभी 100% अगर आप चाहते हो कि एकदम साफ, जैसा अभी मेरा चेहरा देख रहे हो इस तरह से साफ अगर आपका चेहरा हो जाए, तो मैंने अपने खाने का पहले से ही, जब डिलीवरी टाइम था उस टाइम से ही बहुत ध्यान रखा है। आयरन कैल्शियम को मैं प्रचुर मात्रा में अभी तक शामिल करती हूँ अपने खाने में, और हर लेडीज़ को ये शामिल करना भी चाहिए, तभी फिर आपको कोई भी इस तरह की दिक्कत नहीं होती, ना ही तो आपके फेस पे कोई दाने आते हैं, ना झाइयाँ होती हैं, ना कालापन, कुछ भी नहीं होता। तो खाने का विशेष ध्यान रखें, और बाकी जो पैक बनाना है वो किस तरह से बनाना है चलिए देख लेते हैं। रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहले एक चम्मच मैं ले रही हूँ मांडुआ का आटा, इसके अलावा एक चम्मच दही, आधा चम्मच ये शहद, और बिल्कुल एक पिंच हम इसमें हल्दी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी ही डाली है। तो बस अब सारी चीज़ों को कर लेंगे हम अच्छी तरह से मिक्सअप, और अगर आपको अच्छी तरह से ये पेस्ट ना बने, थोड़ा और आपको ज़रूरत महसूस हो, तो आप यहाँ पे दूध या फिर गुलाब जल, अगर गुलाब जल दूध ये दोनों ही चीज़ें ना हो तो आप सिंपल वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इतने से ही ये देख सकते हो आप कि अच्छा गाढ़ा पेस्ट जो है ये बन जाता है, जितने की हमें ज़रूरत है। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है ये पैक, और आप, मैं कहती हूँ अगर आप नहीं बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते तो वीक में एक बार तो ज़रूर यूज़ कीजिए। आपको फर्स्ट बारी जब आप यूज़ करोगे तभी आपको जो है देखने को मिल जाएगा कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये। तो चलिए, ये रहा मेरा पैक, और अप्लाई करना सिंपल है। पहले आप अपने चेहरे को अच्छी तरह से जो है किसी भी कॉटन से अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए, और उसके बाद सिंपली लीजिए आप और इस तरह से लगा लीजिए फेस पे। इस तरह से आप लगा लोगे, और इसको लगाने के बाद आप देखिए, जब ये अच्छी तरह से सूख जाएगा, लगभग 5-10 मिनट में ये अच्छी तरह से सूख जाएगा, तो सूखने के बाद ना आपको इसको उतारती बार ज़रूर ध्यान देना है। तो अगर आप जैसे मैं बता रही हूँ उस तरीके से उतारते हो ना इसे, तो आपके फेस पे जो अनवांटेड हेयर होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं, आपको एक्स्ट्रा में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलिए पहले लगा लेते हैं पैक को, तो फिंगर की हेल्प से, ब्रश की हेल्प से, जैसे भी आप चाहें वैसे आप इसे लगा सकते हो, और ये आपके फेस को ना अच्छा स्क्रब भी कर देता है। तो अगर आपको ब्लैक हेड, वाइट हेड की प्रॉब्लम है तो वह उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो मैं तो बोलती हूँ कि 4 in 1, 5 in 1, पता नहीं कितने इन वन ये पैक है, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो ये आप देख सकते हो कि जो पैक है हमारा बिल्कुल सूख चुका है, और निकालना कैसे है ताकि आपके जो अनवांटेड हेयर है वो भी रिमूव हो जाए, तो ये देखिए इस तरह से हल्के हाथों से आपको ये जो पैक है ये उतारना है।
इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में, जो भी मतलब हमारी हेयर की डायरेक्शन रहती है ना, तो उससे अपोजिट डायरेक्शन में आप इस तरीके से निकालिए। और जो है बहुत ज़्यादा बाल आपके यहीं पे इसी पैक के साथ जो है झड़ जाते हैं। तो इस तरह से आपने ये काम करना है और फिर आप ठंडे पानी से अपना चेहरा साफ कर दीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि बाद में पैक के बाद आप अपने चेहरे पे क्या यूज़ करते हो। मैं मोस्टली एलोवेरा जेल लगाना ही अपने बाल फेस पे पसंद करती हूँ। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फील हो तो आप कोई अपनी जो भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ करते हो वो भी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ एलोवेरा भी काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज़र होता है। तो जिनकी स्किन थोड़ा ऑयली होती है तो उनको बस वही यूज़ करना चाहिए, और ड्राई स्किन वाले फिर अपने अकॉर्डिंग मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अच्छी तरह से इसे निकाल लेना है। आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, और अच्छा लगे तो अगेन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में किसी और अच्छी सी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।